हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा की VFD की प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में, जितने भी एरर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। और मैं आपको VFD के जितने भी VFDs हैं उनके सबके एरर, फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और VFDs को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। डेल्टा VFD का एक एरर है OU5, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर इन वोल्टेज डिटेक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जो हम वोल्टेज डिटेक्ट करते हैं ना, मतलब VFD में जो हमारी इनपुट वोल्टेज जा रही है उसको जो हम जो जिस डिवाइस से डिटेक्ट करते हैं वो ना प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये है कि चेक इनपुट वोल्टेज विद इन द स्पेसिफिक रेंज एंड मॉनिटर इफ़ देर इज़ अ सर्ज वोल्टेज। मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार सर्ज की वजह से इस तरीके का इशू आ जाता है, जैसे सर्ज समझते हैं ना आप, जैसे बिजली गरजती है, ठीक है। तो वो जब उससे वोल्टेज आती है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है और उसकी वजह से जो हमारी डिवाइसेज या जो हार्डवेयर है ना वो फेल हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो सॉरी मतलब बर्नड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है, ठीक। तो आपको इस केस में नॉर्मली यही होता है कि इसको ना हमें रिपेयर ही कराना पड़ता है, वो जो हार्डवेयर है वो रिप्लेस होता है, वो चेंज कराना पड़ता है। तो आप इसको चेंज कराएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।